पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पनीर, जिसे मैंने ऐसे बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इसमें मैं डालूंगी 2 से 2.5 टेबलस्पून जितना मैदा। अब मैं इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, साथ में मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, फिर इसमें डालूंगी मैं थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा डालूंगी नमक। ये सब डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी आराम से हल्के हाथों से। पनीर हमारा अच्छे से कोट हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी, तो आप चाहे इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डीप फ्राई नहीं करूंगी। तो इसमें मैंने हल्का सा तेल डाला, इसको थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख देंगे हम। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब मैं इसमें अपने पनीर के पीसेस डाल दूंगी। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा, जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, आपको बस उतना ही इसको फ्राई करना है, ज्यादा नहीं, वरना ये हार्ड हो जाएंगे। अब हम इसे पलट लेंगे, एक साइड से ही हो चुका है, हमें ज्यादा इसको नहीं करना है फ्राई। अब ये हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। पनीर हमने फ्राई कर लिया है, तो अब हम अपने अगले प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं यही सेम कढ़ाई में और यही ऑयल में मैं जो है सब्जी अपनी फ्राई करूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल देती हूँ, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा लहसुन। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना लहसुन लिया है और 1 टेबलस्पून जितना बारीक कटा हुआ अदरक। साथ में मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ली, जिसे मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। इन तीनों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो ये तीनों मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ये स्प्रिंग अनियन, यानी कि हरे प्याज का सफेद वाला पार्ट, जिसे मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। 1 मिनट तक हमने प्याज भी फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसे मैंने ऐसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है और फिर इसको अलग अलग कर दिया प्याज को। इसको भी मैं 1 मिनट तक इसके साथ फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, इसको भी मैंने ऐसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है, और ये डाल के मैं अब इन सबको 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूंगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये जो है हल्के फ्राई भी हो गए हैं। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, हमें अपनी सब्जियों में क्रंच चाहिए। तो अब मैं इसमें अपनी सॉसेस डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये 1 चम्मच जितना सेजवान चटनी, और इसको मिक्स कर दूंगी इसके साथ। अब मैं इसमें डालूंगी ये 1 से 1.5 चम्मच जितना डार्क सोया सॉस, साथ में मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच चिली सॉस, साथ में थोड़ा सा 1 चम्मच इतना ग्रीन चिली सॉस, हमने पहले रेड चिली सॉस डाली थी, और यहाँ पे 1 चम्मच जितना यहाँ विनेगर। एक से 1.5 चम्मच जितना मैं इसमें डालूंगी टमाटो केचप, और ये सब डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे हमारे चिली पनीर में कलर बहुत अच्छा आएगा, ये ऑप्शनल है वैसे डालना। अब इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, तो नमक हमने पनीर को फ्राई करते टाइम भी डाला था और बाकी सॉसेस में भी होता है, तो उसी हिसाब से आप डालें। अब इसमें जाएगा ये 1 चम्मच शहद यानी हनी, इससे चिली फ्लेवर चिली पनीर में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आप इसे जरूर डालें। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, तो यहाँ पे मैंने ये 1 ग्लास जितना पानी डाला है। मैं यहाँ पे 1 ग्लास से थोड़ा ज्यादा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालने वाले हैं, जिससे ये हमारी जो ग्रेवी है वो खुद से गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें मैंने 1 ग्लास से थोड़ा ज्यादा पानी डाला है। मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर, इसमें मैं डालूंगी पानी, और मुझे इसका एक घोल तैयार करना है। ये हमारी ग्रेवी में जाएगा, इसी से हमारी जो है चिली पनीर की ग्रेवी बहुत बढ़िया बनेगी, बिल्कुल
रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो ये बहुत जरूरी है डालना। तो ये घोल रेडी हो गया है, इसको मैं अपने इस ग्रेवी में डाल देती हूँ और डाल के इसको मिक्स कर दीजिए। देखिए हमारी ग्रेवी जो है थिक हो चुकी है, अब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी। तो देखिए पनीर डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद आप इसे बस 1.5 से 2 मिनट ही आप इसको पकाएं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है और हमारी ग्रेवी भी कितनी गाढ़ी हो गई है। तब मैं इसमें लास्ट में डालूंगी ये स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट और ये डाल के मैं सब मिक्स कर लूंगी। तो ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, तो आप देखिए कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है हमारी ये ग्रेवी वाली चिली पनीर। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनी है और देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी जरूर अच्छी लगेगी, आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को शेयर जरूर करें। चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। टेक केयर।